अस्सलाम मैं यूट्यूब फैमिली में आप सबको मेरा सलाम हो। मेकर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है सुबह सुबह हम बच्चे के लिए चाय भी दूध नाश्ता बना रहे हैं उसके बारे में आपके सामने वीडियो शुरू करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं सभी को सॉरी कहती हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाली, वन मंथ हो गया वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी। अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे आपके सामने ज़रूर से शेयर करेंगे। मैं सभी को मैंने बहुत मिस किया। अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। देखिए सुबह सुबह चाय भी ना बच्चों लिए दूध बना रही हूँ मैं चाय। देखिए चाय उधर एक सेट पर चाय रख चाय बनाने के रख डाल में चाय पत्ती शक्कर डालकर एक सेट पर मैं बूस्ट डाल लूँ। बूस्ट में बूस्ट डाले मगर हमारे बच्चे दूध नहीं पीते। बूस्ट जरूर से ना बूस्ट डालना। बूस्ट ने तो चॉकलेट हालिस दोनों में कोई ना खाते हैं। ये देखिए एक बेड भी है बिस्किट अच्छी बच्चों के लिए दूध में बिस्किट है हमारे लिए चाय में बेड बनाने बच्चों का। देखिए हमारे बच्चे का चाना इसमें मलाई रहे तो भी हमारे बच्चे नहीं पीते। दूध में ज़रूर से मलाई निकाल कर छान कर दिए तब पीते हैं। देखिए दूध गर्म हो चुके बूस्ट डाल कर बिस्कुट के साथ दे डालूँ बच्चे पी लेते हैं। बच्चों के लिए है बच्चा ही पीता बच्ची नहीं पीती। बच्ची को फिर से दूसरा अलग होना उसे बोन मिठा है तब पीती। दो बच्चे दो रकम का दो पसंद से दो जने पीती। ये देखिए मैं दूध भी चाय नाश्ता चाय भी दूध दो भी गर्म हो चुके हैं। देखिए बूस्ट है बूस्ट डाले सभी गर्म कर डाले सब उसके साथ बच्चों के बच्चों का सपोर्ट देने के लिए एक निकाल डालें। ये हमारे दोनों का हमारे लिए चाय भी बेड है चाय के साथ बेड अच्छा था। टोस्ट भी सुपर आता मैं टोस्ट नहीं आता तो बेड के साथ खा ले रहा चाय। सुबह सुबह चाय पी ली तो वह सुपर आते आदत हो चुकी है। बहुत हमारे सभी का सुबह सुबह चाय होना सभी को नहीं बच्चों का बनाए हमें भी हमारे हस्बैंड दो जने जरूर से पीते हैं। ये नाश्ता बना रहे हैं देखो सोजी सोजी उपमा रवा बोती सोजी बोती ने मैं बना रही हूँ। थोड़ी देर तेल में फ्राई कर लेना थोड़ी देर फ्राई कर लेता कलर इसका चेंज आता अच्छा रहता। थोड़ी देर फ्राई कर लेकर इसमें प्लेट में बाजू रख डाला। ये देखिए इसमें मैं क्या क्या डालूँ प्याज करेपा को जीरा रहा टमाटे मिर्चा ये सब डाल को इसमें थोड़ा सा कलर चेंज होना बादाम कलर आने के बाद निकाल लेकर थोड़ा फ्राई कर लेकर थोड़ा सा पानी डाल को पानी डाल कर रख डाले धन के लिए पानी डालना। थोड़ा सा नमक कितना डाल हमें एक हिसाब से डाल लेना। देखिए नमक भी डाल डालना प्लेट में उसको रखो थोड़ी देर पकना है हदन पके तक उसमें तो उसके बाद मैं सोजी भून कर रख ली से सोजी डाल डालते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं देखो प्लेट में उसको रख डालना। प्लेट में उसको रख डालने के बाद थोड़ी देर पकना हुआ पकने सब बोलना है खुद पक चुके खुद धदन पकना पके तो कलर भी सुपर रहता टेस्ट भी अच्छा रहता। सुबह सुबह नाश्ते में उपमा भी थोड़े लोगों को पसंद है थोड़े लोग पसंद है लेकिन हमारे घर में खाते हैं लेकिन कभी ना वन वीक वारन में एक बार या दो बार उससे ज़्यादा नहीं खाते। मैं बस सुबह सुबह बच्चों की तबीयत अब ठीक नहीं ना इसलिए मैं उपमा बना चुकी। उपमा है तो ज़रा डॉक्टर से ज़रा से नरम नरम चीज़ें खा बोले चार दिन इसलिए मैं उस बार उपमा बना चुकी हूँ। ऊपर से ज़रा खुद में दाल डालने सुपर रहता देखने भी सुपर रहता टेस्ट भी सुपर रहता बहुत अच्छा रहता। देखिए उपमा बन चुका है आठ बॉक्स में निकाल डालते मैं आपको बताते हैं आठ बॉक्स में निकाल कर रख डालते हम बहुत अच्छा रहता है उपमा साथ बहुत सुपर रहता है बच्चों के लिए पसंद सिखाते हैं हमें भी खाते हैं कभी ना कभी बना लेते हैं अच्छा रहता है। देखिए मैं जब ये समोसे वाला आया था बच्चे समोसे पूछे थे अब समोसे भी ले ली थी मैं छोटे समोसे अच्छे देखो जो उपमा के साथ लहसुन की चटनी उपमा निकाल हर बॉक्स में निकाल कर रख लूँ। उपमा के साथ कॉम्बिनेशन लहसुन चटनी अच्छी रहती है फलंग चटनी अच्छी रहती है भुट्टा भी अच्छा रहता मैं भुट्टा मैं जब भी नहीं पीछे थी मैं लहसुन चटनी थी मेरे पास इसलिए मैं वो इसमें खा लेंगे। अब बच्चों समोसा है वो खा लेते हैं चाकू खा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।